एक्चुअली सब टीचर्स डे को सबसे ज्यादा मेरे 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 जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फिल्म इंडस्ट्री, और जो भी मैं बना हूँ फिल्मों के लिए की वजह से बना हूँ। तो मैंने आज कहा कि मेरे टीचर जो थे वो आदित्य चोपड़ा थे। फिल्म के ग्रामर के बारे में मैंने जो भी सीखा है उनसे सीखा है। खुद के पैशन के बारे में मैं अगर कुछ जानता हूँ तो उनकी वजह से जानता हूँ। उन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया, आदित्य चोपड़ा ने ये बात का एहसास दिलाया कि मुझ में एक फिल्म मेकर है, एक निर्देशक है। तो इसीलिए आज मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता था। इनफैक्ट वो शूटिंग कर रहे थे अपने पिताजी के साथ कश्मीर में, तो मैंने उनको फोन किया एंड सेड थैंक यू, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से। और आई थिंक टीचर्स डे वही दिन होता है, वही अवसर होता है जब हमें मौका मिलता है उन लोगों को थैंक यू या ग्रेटिट्यूड दिखाने का जिनकी वजह से आज हमारे ख्याल, हमारी सोच, हमारा काम बनता है। आई वॉज अ मेंटर, आई वुड नेवर रिलीज अ फिल्म ऑन द सेम डे, बट देन दैट्स मी एंड निखिल अडवाणी इज नॉट मी। निखिल अडवाणी इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ, इनफैक्ट मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, बट आई स्टिल विश हिम ऑल द बेस्ट। आई बिलीव ही हैज रिलीज ऑन दैट डे। और ये साल ही कुछ मुश्किल सा है, बहुत सारी रिलीज डेट्स मिलना बहुत आसान नहीं हो गया बिकॉज इट्स सच अ जैम पैक्ड ईयर। दीवार क्या करे, सारे खान्स जो है वो दिवाली, ईद और क्रिसमस बुक कर लिया उन्होंने, तो हम सब अपनी बिचारे फिल्में लेके रिलीज कर रहे हैं जहां भी मौका मिले। बट आई विश निखिल ऑल द वेरी बेस्ट। आई बिलीव हिज एनिमेशन फिल्म इज लवली। मैंने सुना है कि एनिमेशन हाई क्वालिटी का है और फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट नेवर्थलेस। और इसको ऑब्वियसली मुझे सब उम्र में सब उम्र में सीनियर बना दिया करण सर नहीं करण Don't call him sir because he doesn't like being called old and whatever. इनको उम्र का तकाजा नहीं लगना चाहिए। तो of course करण को thank करना चाहेंगे, उनके वजह से हम यहाँ खड़े हैं, उनके वजह से आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। बेस्ट स्टूडेंट इन तीनों में से आलिया मेरी 19 15 अक्टूबर के क्या बाय। I don't know, there are two people asking two questions. Who should I answer? Who's my favorite student? Alia is my favorite student of the three. क्योंकि मेरी हर बात सुनती है, ये लड़के मेरे naughty हैं, ये अपने खुद मेरा acting करते हैं मेरे सुनने का। They pretend के वो सुन रहे हैं जो भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन actually वो खुद करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। In fact, मैंने बहुत शाहरुख से बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट स्पिरिचुअली, इमोशनली और जिस किस्म के इंसान है वो, तो मैंने बहुत इम्बाइब किया है उनसे, उनकी क्वालिटीज, और आज तक करते आ रहा हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं जानता हूँ बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड्स इन द बिजनेस है शाहरुख खान, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंट मैन शाहरुख खान है। तो उनकी क्वालिटीज फैमिली के, जिंदगी जीने के लिए लिटिल लाइफ लेसन मैंने उनसे सीखे।